हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं राधे कृष्णा। तो आज की जो वीडियो है वो है एक बहुत बढ़िया न्यूज़, और अपना दोस्त का मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो माल्टा में जॉब करता है। और उससे पहले यार, जो पहली बार प्लीज़ जो मेरे चैनल पे आया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। और मैं वीडियोज़ बनाता हूँ माल्टा से रिलेटेड, कुछ भी अपडेट आ रहा है या कुछ भी यूरोप में कोई अपडेट आ रहा है, दूसरी कंट्रीज़ में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं रूल्स में, क्वारंटीन के रूल्स में या कुछ भी चेंजेस आ रहा, तो मैं उस बारे में बनाने की कोशिश करता हूँ। और आज मैं हालांकि छत पे बैठा हुआ हूँ, मोस्टली मैं अपने रूम में बनाता हूँ वीडियो, बट आज छत पे हूँ। आप देख सकते हैं कपड़े पीछे सूख रहे हैं। तो खैर, बिना टाइम वेस्ट किए मैं टॉपिक पर आता हूँ। टॉपिक यही है कि जो जिसको प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुकी है समय माल्टा से, आइडेंटिटी माल्टा से, और जो सुपरिटेंडेंट है उसको अप्रूवल मिल नहीं रही है, क्योंकि जो रीजंस है वो उसमें कवर नहीं हो रहा है। तो आप अपनी फैमिली बुलाना चाह रहे हो तो वो कवर्ड है एक्सेप्शन में, या फिर आप जो है किसी मेडिकल रीज़न की वजह से आना चाह रहे हो माल्टा तो वो अलाउड हो जाएगा। बट अगर आपको अप्रूवल मिल चुका है तो नेक्स्ट क्या करना है आपको, मैं अपने दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। उसकी वाइफ का वर्क अप्रूवल आ गया था आइडेंटिटी माल्टा से, प्रिंसिपल अप्रूवल, और उसने फिर क्या किया, उसकी जो कंपनी है मेरे दोस्त की वाइफ की, उसकी कंपनी ने जो है मेल करी सेंट्रल वीज़ा यूनिट को कि भैया हमें इस एम्प्लॉय को बुलाना है, हमारी कंपनी सफ़र कर रही है, हमारे जो क्लाइंट्स हैं और ये हाईली क्वालिफाइड हमारा एम्प्लॉय है और हम इसे बुलाना चाहते हैं, हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है इस वजह से। तो भैया उसी दिन अप्रूवल आ गई। उसके बाद फिर वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के पास गए, ठीक है, और CVU की अप्रूवल लगा दी कि भैया CVU ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से भी बुलवा सकते हैं, मतलब आपकी कंपनी अगर चाहे, ये ध्यान रखना मेरी बात, फिर से ध्यान से सुनना, जिनको बहुत सारे पर्सन ऐसे हैं जिनके मेरे पास मेल भी आती है, मैसेजेस भी आते हैं कुछ, कि काफ़ी लोगों के पास प्रिंसिपल अप्रूवल आ चुकी है, अब उनको अप्रूवल नहीं मिल रही है आगे फर्दर अप्रूवल्स। तो भैया अगर आपकी कंपनी चाहे, ये ध्यान रखना, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपकी कंपनी चाहे तो भैया वो कुछ भी करवा सकती है, और उनको रीज़न ये देना पड़ेगा कि भैया हमारा बिजनेस सफ़र कर रहा है, हमें इस एम्प्लॉय की बहुत बहुत ज़रूरत है, बहुत रिक्वायर्ड है हमें ये पड़ता, तो फिर वो कंपनी को अप्रूवल दे देंगे आपके लिए, ठीक है। अपने एम्प्लॉयर को पूछ करो, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ये रियल केस बता रहा हूँ मैं, अपनी जो मेरा फ्रेंड है उसकी वाइफ का, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप अपने एम्प्लॉयर को पूछ करो, और आपका एम्प्लॉयर ही पूछ करेगा सेंट्रल वीज़ा यूनिट को और सुपरिटेंडेंट को, और वो देंगे ही देंगे अप्रूवल, ठीक है ना। तो बस ये छोटी सी अपडेट के साथ मैं आया था आपको, मैंने कहा अपडेट कर दूँ इस चीज़ के बारे में कि आपकी कंपनी ऐसे कर सकती है अगर वो चाहे तो। मुझे उम्मीद है यार आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस इन्फॉर्मेशन को। चाहे आपको अच्छी नहीं लगी वीडियो, लाइक मत करो, बट एटलीस्ट शेयर करो जरूर यार, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं कि किस बंदे के पास आगे ये वीडियो चली जाए आपके शेयर के थ्रू। तो मैं प्लीज़ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी आपके सब में शेयर कर दो फटाफट से, अभी कर दो फटाफट, अभी देख लीजिए वीडियो आपने, अभी कर दो फटाफट से, ठीक है। तो मिलता हूँ यार फिर अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी वाइफ को लूँ, है ना, और उसका जो रूबरू एक्सपीरियंस है, जो उसने 14 डेज जो क्वारंटीन बिताया है मरीना होटल में, वो बताए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करे आपको, और आपको भी थोड़ा आइडिया होगी क्या हुआ है उसके साथ, क्या बीता है। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।